digital locks. This is L-A8 model number. Installation complete होने के बाद हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस लॉक को यूज कैसे करना है. सबसे पहले हम अपने लॉक को खोल के दिखाते हैं. आपका डिफॉल्ट पासवर्ड जो हमने दिया हो 128 से है, आपका लॉक खुल जाएगा. लॉक करके इस तरीके से आप प्रॉपर इसको लॉक कर सकते हैं. अब हम फिंगर ऐड करना सिखाएंगे, एडमिन फिंगर. सबसे पहले मेन मेन्यू में जाने के लिए 0# प्रेस करेंगे. मेन मेन्यू हमेशा 0 और हैश से होगा, 0#. हम अब डिफॉल्ट पासवर्ड डालेंगे जो 128 है आपका. हैश मतलब ओके. चार ऑप्शन आ जाएंगे. सबसे पहले ऑप्शन में जाना हमें एडमिन सेटिंग, प्रेस 1. उसके बाद ऐड एडमिन, प्रेस 1. अब हमारी फिंगर हम ऐड करेंगे. आईडी आ रही होगी 002 1 2 3. तीन बार हम प्रॉपरली फिंगर रखेंगे ताकि ये कम्प्लीटली हमारा फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन रीड कर सके और यहाँ आईडी चेंज हो जाएगी. हम बैक कर देंगे, लॉक नहीं खुल रहा. अब हम फिंगर लगाएंगे, कर की आवाज़ आएगी मोटर की और आपका लॉक खुल जाएगा. अगर इस तरीके से बाहर रह जाए तो आप फिंगर लगाएंगे और ऐसे लॉक कर सकते हैं. उसके बाद हम कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, वही 0#, फिर वही डिफॉल्ट पासवर्ड या फिंगर. अब हमने फिंगर ऐड कर ली एडमिन की, तो हम मेन मेन्यू में फिंगर के थ्रू भी जा सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन एडमिन, ऐड एडमिन, कार्ड हम लेंगे. सक्सेसफुल लिखा जाएगा, हमारा कार्ड ऐड हो जाएगा. अब हम अपना लॉक कार्ड से भी खोल सकते हैं, कर की आवाज़ आएगी बराबर जब भी आपका लॉक खुलेगा. एडमिन के साथ साथ हम इस लॉक में 100 यूजर भी ऐड कर सकते हैं. एडमिन, अब हम आपको सिखाएंगे कि यूजर कैसे ऐड करना है. इस लॉक में हम 100 यूजर ऐड कर सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडमिन और यूजर में डिफरेंस क्या है. एडमिन इस लॉक का ओनर हो गया. इस लॉक की सारी सेटिंग एडमिन चेंज कर सकता है. इस लॉक के सारे ऑपरेशनल फंक्शन, जो कुछ भी इसमें चेंजेस होंगे, ऐड होगा, डिलीट होगा, कुछ भी आपको करना है वो सिर्फ एडमिन कर सकता है. एडमिन के पासवर्ड या फिंगर से, एडमिन कार्ड से आप सिर्फ और सिर्फ अनलॉक कर सकते हो और यूजर सिर्फ इस लॉक को अनलॉक कर सकता है. ये डिफरेंस है आपका एडमिन और यूजर में. अब हम मेन मेन्यू में जाएंगे. जैसे मैंने सिखाया था 0# मेन मेन्यू में जाने के लिए एडमिन पासवर्ड या फिंगर, कार्ड नहीं, हम फिंगर लगा रहे हैं. अब हम ऐड यूजर करेंगे. ये प्रोसेस सिर्फ एडमिन कर सकता है. हम यूजर ऐड करते हैं 2 से. उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, प्रेस 1. अब उसके बाद हम मिनिमम 6 to 32 डिजिट का यूजर का पासवर्ड डालते हैं या फिर फिंगर लगाते हैं या फिर कार्ड लगाते हैं. सबसे पहले पासवर्ड सेट करते हैं 1 2 3 1 2 3. हैश वापस कंफर्म करेंगे हम उस पासवर्ड को 1 2 3 1 2 3 #. अब हमारा यूजर पासवर्ड ऐड हो गया है. अब हम यूजर फिंगर भी ऐड कर लेते हैं. ये अब हम थंब लगाएंगे 3 times प्रॉपरली ताकि हमारा फिंगरप्रिंट इंप्रेशन रीड कर ले. लाइट ऑफ हो जाएगी आपकी. 3 बार होने के बाद सक्सेसफुली आईडी चेंज हो जाएगी. इसका मतलब आपकी फिंगर भी ऐड हो चुकी, आपका पिन भी ऐड हो चुका. अब हम कार्ड ऐड करेंगे यूजर का. ये प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं. सेम कार्ड लगाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा. अब हम बैक करेंगे, बैक के लिए स्टार दबाते हैं. अब लॉक हमारा लॉक है. अब हम यूजर पासवर्ड डालेंगे, कर मोटर की आवाज़ आएगी, हमारा लॉक खुल जाएगा. लॉक की लॉकिंग अनलॉकिंग हम एडमिन यूजर बोथ कर सकते हैं, बट यूजर कभी इस लॉक को मेन मेन्यू में अलाउ नहीं करेगा, 0#. अब अगर हम मेन मेन्यू के लिए यूजर पासवर्ड डालेंगे, हैश दबा के कंफर्म करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये काम सिर्फ एडमिन कर सकता है, यूजर नहीं कर सकता. अगर हम यूजर थंब यूज करते हैं अपना, ये मेरा एडमिन है, ये मेरा यूजर है, नल एंड वॉइड हो जाएगी. यूजर सिर्फ और सिर्फ इसको अनलॉक कर सकता है. मैं चेक कराता हूँ, ये लॉक है, ये हमारा यूजर थंब है, सिर्फ लॉक खुल. आप मेन मेन्यू की सेटिंग में नहीं जा सकते यूजर से कभी भी. यूजर कार्ड है, सिर्फ आपका लॉक खुल जाएगा.
इस लॉक में बहुत फीचर है, मैं कुछ फीचर आपको समझा देता हूँ जो ज़रूरी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको डोर बेल लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें डिफ़ॉल्ट डोर बेल भी है। हम हैश दबाएंगे, डोर बेल बजेगी। अब आप एक बार वापस सुनिए, हैश से डोर बेल। अब हम आपको सिखाएंगे कि इस लॉक में एडमिन या यूज़र डिलीट कैसे करते हैं। बाय मिस्टेक आप किसी यूज़र को ऐड कर दें या फिर उसकी नीड नहीं है, या बाय मिस्टेक एडमिन ऐड कर लें अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको डिलीट कैसे करेंगे। जीरो हैश मेन मेन्यू में जाने के लिए, उसके बाद डिफ़ॉल्ट पासवर्ड या फिंगर, ये हमारी एडमिन फिंगर है। मेन मेन्यू आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन प्रेस 1 एडमिन सेटिंग। अब हम जाएंगे डिलीट एडमिन में, सेकंड ऑप्शन प्रेस 2 डिलीट बाय आईडी, फर्स्ट ऑप्शन डिलीट बाय होल, सेकंड ऑप्शन हमें बाय आईडी करना है, फर्स्ट ऑप्शन। अब मेरी एडमिन फिंगर की आईडी थी 003, मैं वो एंटर करूँगा, हैश दबा के कन्फर्म करूँगा। अब मेरी एडमिन फिंगर डिलीट हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से डिलीट यूज़र कर सकते हैं। अब हम सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, प्रेस 2 बैक करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, हमें सेकंड ऑप्शन में जाना है डिलीट यूजर, डिलीट बाय आईडी। वही हम आईडी डाल लेंगे यूज़र की, हमारी थी 021। अब हमारा यूज़र पासवर्ड भी ओके करके डिलीट कर देंगे। हम चेक कराते हैं, स्क्रीन ऑफ हो गई, हमारी एडमिन सक्सेसफुली डिलीट हो गई है फिंगर। इसी तरीके से अब मैं यूज़र पासवर्ड का डालूँगा तो लॉक खुलेगा नहीं, सक्सेसफुली डिलीट, स्क्रीन ऑफ होने का मतलब डिनाई हो जाता है।